नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, कोई भी सामान अगर जो आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में अगर जो आपने ऑर्डर किया है, तो उसे आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सामान को मान लीजिए कि आपने ऑर्डर कर दिया है कैश ऑन डिलीवरी में, आप चाह रहे हैं कि मैं कैश ना दे करके उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ, ठीक है, तो वो आप कर पाएंगे इजीली। इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे भी, ठीक है, और उसका क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग अगर जब आप करते होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक एक प्रोडक्ट है मेरा, यहाँ पे माइक है बोया का, हालांकि ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी टुडे यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे हालांकि ये सीओडी में है यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में है, यानी कि जब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा तब हम उसे पैसा देंगे डिलीवरी बॉय के, और यहाँ पे हम चाहेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि पे ऑनलाइन नाउ, ये हालांकि लिमिटेड समय ही मिलता है। यहाँ पे पे पर क्लिक करके आप हम इसे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर अगर आपको शो नहीं होगा तो आपको चार लाइनिंग सिर्फ यहाँ पे, सॉरी तीन लाइनिंग जो है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको माई ऑर्डर में आ जाना है। माई ऑर्डर में आने के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए होंगे आप, वो सारा यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो भी आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है, पे 739 रुपये मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो हम ऑनलाइन इससे पेमेंट कर देंगे। अब देखिए कि इससे क्या बेनिफिट होता है, पहले नंबर तो आपको वो जानना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे 739 रुपये हमको उसको देना पड़ेगा, तो 739 रुपये तो नहीं रहेगा, मान लीजिए 40 ही दे देगा लोग, तो 1 रुपये आपका एक्स्ट्रा गया, या 739 रुपये ढूंढने में थोड़ा चेंज आपको एक तरह से हो गया, तो ये ढूंढने में आपको थोड़ा मुश्किल सा रहता है पैसा। और आप 739 हो, 49 हो, 51 हो, 52 हो, कुछ भी हो, तो आप ऑनलाइन अपना अकाउंट से उतना ही पैसा आपका कट जाएगा, 1 भी रुपये एडवांस आपको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपने इस सामान को रिटर्निंग किसी कारण से गलत प्रोडक्ट आ गया, या रिटर्निंग करना चाहते हैं किसी कारण से, तो आप रिटर्निंग करेंगे इसको तो आपको पूरा पैसा जो है आपको सेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि हाथ में अगर जो उसको पैसा देंगे तो उस प्रोडक्ट को आप रिटर्निंग करते हैं, तो आपको कॉल करके आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, ये सब सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को, तब जा करके आपको पैसा रिफंड मिलेगा। हालांकि कुछ अगर आपने अकाउंट नंबर गलती भी कर दिया तो पैसा किसी दूसरे खाता में चला जाएगा और आप उसका जिम्मेदार आप रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देने में ही सही रहता है, क्योंकि आपको इसमें कई तरह का आपको बेनिफिट और भी है, जो आपको मैंने बताया भी कुछ, इससे आपको सेफ पैसा एकदम जाएगा और एक भी एक्स्ट्रा रुपये नहीं कटेंगे। प्रोडक्ट को कैंसिल करते हैं तो आपका एकदम इजीली आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, जहाँ जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया हो। तो चलिए हम पे पर क्लिक करते हैं, और पे पर क्लिक करने के बाद हमें काफ़ी पेमेंट का मेथड मिल जाएगा अलग अलग तरीक़ा से, यहाँ पे ATM कार्ड, फिर और भी वॉलेट से, UPI से, काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे दिखने लगे हैं ऑप्शन। हालांकि UPI से आप चाहें तो फ़ोनपे का, पेटीएम का, अलग अलग तरह के UPI ID डाल करके नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, अलग अलग तरीक़ा से आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट लिंक है मेरा, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें अपना UPI पिन डालना होगा। इस UPI पिन पर पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि अब मुझे पैसा उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका टाइमिंग आपको मैं बता दूँ तो इसका मैं टाइमिंग आपको बता दूं कि इसका टाइम जो होता है डिलीवरी का आपका मैसेज आने से पहले, ठीक है, आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो डिलीवरी बॉय आपको आउट फॉर डिलीवरी का आपको मैसेज आ चुका है, आपको शो होने लगा है कि डिलीवरी बॉय जो है आपका प्रोडक्ट लेकर चल दिया है, तब आप पेमेंट उसे नहीं कर सकते हैं। जी, आप ध्यान रखिएगा कि आउट फॉर डिलीवरी से पहले ही आप उसे
ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आउट फॉर डिलीवरी का आपको मैसेज मिल चुका है, आपका कुरियर वाला जो है आपको प्रोडक्ट को लेकर के निकल चुका है आपको डिलीवर कराने के लिए, तब आप उसको कैश ही दे सकते, कैश ही देना होगा, आप उसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं उस वक्त, ठीक है। हालांकि मेरा आज तो डिलीवर का यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 10 अगस्त को डिलीवर मुझे ये प्रोडक्ट को कराएगा आज के डेट में, उसको निकलने से पहले ही हम आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आने से पहले ही हम उसको पेमेंट कर दिए हैं, अब मुझे प्रोडक्ट सिर्फ रिसीव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पिन भी दिखा रहा है कि ये डिलीवरी बॉय को आपको ये पिन बताना होगा, ठीक है, जो भी आपको देने आएगा यहाँ पे कुछ पिन भी शो कर रहा है। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे।